आपको कोई भी अभी डिजिटल सिग्नेचर का पहला एक प्रोसेस आप लोगों को पहले बताया था कि पीडीएफ साइनर का जो सॉफ्टवेयर है उससे आप डिजिटली साइन कैसे कर सकते हो। इसमें और उसमें डिफरेंस पहला क्या है, जो पीडीएफ साइनर का जो सॉफ्टवेयर है उससे बेनिफिट अपने को क्या है, एक साथ बहुत सारा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स तुरंत साइन हो जाता है। यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है और एक डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए टाइम लगता है, इतना ही डिफरेंस है। पर अकॉर्पोरेट रीडर डीसी जो है ये भी डिजिटली साइन करता है और वो सॉफ्टवेयर भी साइन करता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर वो टूल्स के वजह से क्या करता है, ये साइन का अपना जो काम है वो फास्ट कर देता है। पर आप चाहो कि वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं परचेस करना है, आपको नहीं यूज करना है, तो आप अकॉर्पोरेट डीसी से भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको ओपन करता हूँ। यह एक पीडीएफ फाइल है मेरे पास, ये पीडीएफ फाइल को मैं एडोब रीडर डीसी में ओपन कर रहा हूं। तो देखिए ये मेरा एक बिल है, सर का है ये नहीं, मैं दूसरा पीडीएफ फाइल खोलता हूँ, सर मेरा ही हो। आपका एक है। ये देखिए ऑथराइजेशन का डिक्लेरेशन, मुझे इसके ऊपर डिजिटली साइन करना है एज ए एग्जाम्पल, तो मैं इसका डिजिटली साइन करना चाहता हूँ, तो कैसे डिजिटली साइन करूंगा, तो डिजिटली साइन करने के लिए मुझे पैसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टूल्स में जाने का, सबसे टॉप के ऑप्शंस में टूल्स है, डीएससी लगा हुआ होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए। सर्टिफिकेट के क्लिक होने के बाद डिजिटल साइन में उसके बाद आपको साइन कहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे टिक कर दूँ, जितना बड़ा बॉक्स साइन करना है कर दीजिए। थोड़ा टाइम लेता है डिजिटल साइन, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। देखिए यहाँ पे आ गया, यह किसका डिजिटल साइन है, रविंद्र का। ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो मेरे कंप्यूटर में जो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सबका आ जाता है डिटेल। हो सकता है आपको एक ही दिखे, यदि आपके सिस्टम में एक ही डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेट होगा तो मैं देख लेता हूँ पहले किसका डिजिटल सिग्नेचर है मेरे पास यहाँ पे। विनय कुमार का और दूसरा चंद्रशेखर का, दोनों में किसी से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विनय कुमार से कर देते हैं, यदि विनय कुमार से करना है तो कंटिन्यू। देखिए इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर आएगा साइन। ये मेरा डिजिटल साइन हो गया। ऐसा आपको हर पेज पे करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा बार बार, फॉर्म वन बोल के, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इन मांग रहा है, हर एक पेज को इतना टाइम लेगा, देखो ये डिजिटल साइन हो चुका, हर एक पेज को डिजिटल साइन होने में, हर एक पेज को इतना टाइम लेगा डिजिटली साइन होने में। ऐसे आप हर पेज पे डिजिटली साइन कर सकते हो, इससे भी कम टाइम, सॉफ्टवेयर यही अपना बेनिफिट देता है। सॉफ्टवेयर से यदि आप करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होता है, जितना भी ज्यादा पेज हो इससे भी कम टाइम, जितना टाइम ये डिजिटल साइन होने में लगा इससे भी कम टाइम में अपना सॉफ्टवेयर एक साथ डिजिटली साइन करके रख देता है सभी पेज को, ये दोनों में इतना ही बेनिफिट है। तो आप इससे भी डिजिटल साइन कर सकते हैं, पर याद रखेंगे एडोब रीडर डीसी ही होना चाहिए, डीसी छोड़ के दूसरा कोई भी वर्जन होगा तो वो डिजिटल साइन करने के लिए नहीं रहता। ये एक्वाबर्ड रीडर डीसी होना चाहिए, एडोब रीडर डीसी, या फिर पीडीएफ साइनर का वो सॉफ्टवेयर जहाँ से आप डिजिटली साइन कर सकते हैं।